इवनिंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम प्रेशर से और फोर्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि प्रेशर क्या होता है, एक बार मैं हल्का सा आपको इसमें व्यू बताऊंगी इसके बारे में क्या है, और उससे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे मैं ना स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट में ही दिया हुआ है, फिर भी आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। केस है ये, यहाँ पे क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, समीता ने ना एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक लिया जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें जो है वो मेंशन कर रखी मैंने ऊपर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीन चीज़ें ली। इसके अंदर ये कह रहा है कि इसको अलग अलग तरीके से, जो वुडन ब्लॉक है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से क्या किया, रखा किसी मेज के ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे प्रेशर तीनों तरीकों से क्या लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। तो सबसे पहले प्रेशर निकालेंगे कैसे, उससे पहले हमें क्या करना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो चीज़ें दी हुई है वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनके एरिया निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और एरिया से, एरिया निकालने के बाद में जो चीज़ें हमें गिवन है पहले उनको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर दे रखे मास उसका, कि जो वुडन ब्लॉक है या वुडन बॉक्स है जो भी है उसका मास कितना दे रखा है इसके अंदर। मास दिया हुआ बेटा 5 kg, ठीक है, और 5 kg है। और ये कह रहा है इसके फर्स्ट केस के अंदर पूछ रहे हैं हमसे कि यदि इसको लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग रखा जाए, जो वुडन ब्लॉक है ये इस तरीके से बना देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ये कह रहे हैं अगर इसको लेंथ और ब्रेड्थ बेस जो है इसके अकॉर्डिंग अगर इसको रखा जाए तो प्रेशर क्या एग्जर्ट होगा, वो चीज़ आप इसके ऊपर बताइए। तो ये देखिए आप इसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए फोर्स आपको पता है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी अगर गिवन नहीं है तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं 9.8, अदरवाइज आप 10 भी लेके चल सकते हैं। मैं 9.8 से सॉल्व करूँगी इसको, जैसे 5 × 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ये के जी का मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये हमारा फोर्स आ गया, फोर्स न्यूटन में आएगा, इसकी यूनिट न्यूटन होती है फोर्स की। इसके बाद देखिए बेटा हमें निकालना है प्रेशर, लेकिन प्रेशर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से प्लेस किया गया है, तो दैट इज़ द एरिया, ठीक है। और एरिया में ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि अगर उसको लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग रखा जाए, जैसे वो जो बॉक्स है वुडन बॉक्स है उसको इस तरीके से रखा गया है लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर आप बॉक्स मान लीजिए जैसे ये दिखा रखा है, ये ऐसे रखा गया है, तो इसका प्रेशर कितना लगेगा इसके ऊपर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ब्लॉक, ये देखिए ये निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। कितना इसमें, यहाँ पे लेंथ है 50 और ब्रेड है 25, दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो ऑलवेज एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इनको चेंज कर लीजिए यूनिट्स के अंदर, यहीं पे आप चेंज कर लो, ठीक है। ये हमारा कितना हुआ, ये ऊपर जाएगा, देखो नीचे टैंक की पावर कितना बनेगा 4, तो टैंक की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया, ठीक है, ये एरिया है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रेशर एग्जर्ट, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर आपका होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो ये देखो थ्रस्ट कितना था हमारा 49 न्यूटन, और अभी एरिया हमारा कितना आया था 1250 मल्टीप्लाई 10^-4 मीटर स्क्वेयर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर दैट इज पास्कल, ठीक है, ये आपका पास्कल हो जाएगा, और 49 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, कटता है तो काट लीजिए इसको, या फिर ये वैसे सॉल्व होता है तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करो। ये देखिए इसके अंदर जैसे 10^-4 है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये कितना आएगा 49 × 10^4 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखिए इसको आप खोल कर लिख सकते हो, 10 से 10 कट कर लो, 25 से कट करो, 25 से कर लो इसको, 49 और 8 की मल्टीप्लाई, और ये जो न्यूटन और यहाँ पे जो मीटर स्क्वेयर था न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ये अपना पास कर बन जाएगा यूनिट इसकी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो,
प्रेशर एग्जर्ट होगा इसके ऊपर, ये प्रेशर नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको ऊपर इसके अंदर देखो आप कट करेंगे ये नीचे, ठीक है ये 5 है यहाँ पे, और ऊपर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हमारा आएगा, ठीक है।